नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं गंगा जल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र और मोक्षदायिनी होती है। तो गंगा में स्नान करने यदि आप जा रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और गंगा से जब स्नान करके आए तो गंगा जल यदि आप अपने घर पे लेकर आए हैं उसे किस दिशा में रखना चाहिए वास्तु के अनुसार। गंगा जल के कुछ छोटे छोटे प्रयोग भी हम आपको बताएंगे जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो। और गंगा का अवतरण धरती पर कब हुआ था, गंगा दशहरा का पर्व हम क्यों मनाते हैं, उसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है, और इस दिन हमें क्या क्या चीजें विशेष करनी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें गंगा जल से संबंधित होंगी। तो आप वीडियो पर इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी कुछ विशेष प्रयोग करें गंगा जल से और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं। और गंगा दशहरा के दिन आप कुछ एक चीज दान करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज प्लीज लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। अब देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगा जल के बारे में। तो गंगा का अवतरण धरती पर कब और कैसे हुआ ये पहले हम जान लेते हैं। कथाओं से हमें प्राप्त होता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ थे। राजे भगीरथ ने अपने 60,000 पुरखों को तारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए कठोर तप किया था और वो राजा से ऋषि बन गए। तब माँ गंगा प्रकट हुई थी और सबसे पहले माता गंगा को भगवान शिव ने अपने जटाओं में स्थान दिया था, क्योंकि उनकी इतना वेग था, उनका इतना जो है घमासान, उनका लहरें थी, तरंगे थी कि उनको काबू में कर पाना ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। तब भगवान शिव ने स्वयं आकर माँ गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया था, जटाओं में बांध कर रखा था, और भगवान शिव के जटाओं से होती हुई गंगा धरती पर उतरी थी, और जिससे राजा भागीरथ ने अपने पुरखों का जो है श्राद्ध तर्पण किया था। तभी से गंगा में श्राद्ध तर्पण की जो परंपरा है वो चली आई है। हम अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध जो भी करते हैं वह हमें उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए करते हैं। तो ऐसी कथा है। अब गंगा का अवतरण धरती पर कब हुआ था ये विशेष दिन माना जाता है। तो ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि पर माता गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, ऐसी मान्यता है। इसीलिए ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा दशहरा अपने आप में बहुत ही पुण्यकारी दिन भी होता है। इस दिन नदी में स्नान करने का, यानी कि गंगा नदी में स्नान करने का, दान करने का, गंगा जल दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और ज्येष्ठ मास है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का दिन है, तो इस महीने में गर्मियों में जल बहुत अधिक महत्व रखता है, तो जल का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। अब जल दान आप किसी मनुष्य को करें, पशु पक्षी को करें, किसी को भी, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि जल का अभाव हो जाता है, तो आप जल का दान जरूर करें। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन 10 की संख्या में दान किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो 10 की संख्या में करेंगे तो आपको ज्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है। तो ये तो आपने जाना कि गंगा का अवतरण कब हुआ था और गंगा दशहरा हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब इस दिन आप जल से भरा पात्र दान कर सकते हैं। आप इस महीने में मिलने वाले फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा, जैसे वाटरमेलन या फिर मेलन आप कहते हैं, मैंगो, पंखा, ये सभी चीजें, यानी कि ये हमें गर्मी से राहत दिलाने वाली चीजें होती हैं, तो इसका दान बहुत ही शुभ माना जाता है। मीठा शरबत, मीठा हमें तरावट देता है और हमें गर्मी से लड़ने की ताकत देता है, इसलिए मीठा शरबत यानी मीठे जल का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो आप यदि ये कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अब आप 10 और 1 के चक्कर में ना पड़े, कितना भी कर सके उतना जरूर करें, ये आपके लिए लाभकारी है। अब गंगा दशहरा है,
इतना पुण्यकारी दिन है, आप गंगा नदी में स्नान जरूर करें, जो भी आपके आसपास सरोवर है आप उसमें स्नान करें, ठीक है, जल में स्नान करें, उसके बाद दान करें। और ऐसी भी मान्यता है जब कभी आप गंगा स्नान करने के लिए जाएं तो कुछ एक बातों का जरूर ध्यान रखें। गंगा में जब भी आप स्नान करने के जाएं तो आप सबसे पहले माता गंगा को प्रणाम करें, प्रणाम करने के बाद ही उनका चरण स्पर्श करते हुए आप गंगा में जो है जाकर स्नान कर सकते हैं। और गंगा से जब आप स्नान करके निकले तो आप वहीं पर एक शिवलिंग, ऐसी मान्यता जैसे माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली है ना, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, इसीलिए शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि जो गंगा के किनारे पार्थिव शिवलिंग बनाकर बालू से, मिट्टी से, रेती से शिवलिंग बनाकर पंचोपचार विधि से पूजा करके, उन्हें प्रणाम करके जल का अभिषेक करते हैं, यदि दूध मिल जाए तो दुग्ध का अभिषेक करते हैं, फल फूल धूप दीप दिखाकर उनका आभार प्रकट करते हुए फिर उस शिवलिंग को उसी जल में विसर्जित किया जाता है। ये सभी जो भी गंगा स्नान के लिए जाते हैं वो जरूर करते हैं। और माँ गंगा की आरती, माता गंगा का आर पार का माला, हम लोग तो प्रयागवासी हैं, प्रयागराज में हमारा घर है, तो गंगा जी की बहुत महत्ता है। जब भी किसी घर में बच्चे का विवाह, मुंडन, शादी कुछ भी होता है तो गंगा माता की पूजा जरूर की जाती है। नई बहू जब भी हमारे घर आती है तो गंगा के पूजन का विधि है, और गंगा माता का पूजन हम जब करते हैं तो उन्हें पूरा माला, एक छोर से दूसरे छोर का माला चढ़ाया जाता है, उन्हें पियरी चढ़ाई जाती है। तो ये सभी चीजें विधान है, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है, तो ये सभी कार्य हम लोग करते हैं। अब जो अलग क्षेत्र से हैं वो गंगा का दर्शन ही कर लें और गंगा जी का जो है स्मरण ही कर लें, वही बहुत महत्व रखता है। तो इस तरह से गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गंगा जल हमें घर में कहाँ रखना चाहिए, जैसा कि बहुत ही पवित्र होता है, इसको घर में रखने से आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, लेकिन काफी ज्यादा संख्या में, ठीक है। ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं कि गंगा जल को लोग प्लास्टिक के बर्तन में रख देते हैं, आपको किसी धातु के बर्तन में रखना है। यदि आप चांदी के इस तरह से लोटे में चांदी का ढक्कन लगा के इसे अपने ईशान कोण में रखते हैं यदि गंगा जल को, तो आपके घर से वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि गर्मी होती है तो काफी लंबे समय बाद आप देखेंगे तो जल एकदम सूख जाता है, फिर से वापस आपको जल भर देना चाहिए। इसके लिए आपको चांदी का बर्तन जरूर लेना चाहिए, मैंने एक बार और आपको दिखाया था, ये है चांदी का बर्तन, इस तरह से ये खाली है, बहुत छोटा है। तो देखिए, उपाय के लिए आप छोटा या बड़ा ना समझे, जो भी आपके पास है आप तुरंत इस तरह से उपाय करने के लिए रख सकते हैं। और नीचे यदि अनाज की ढेरी लगा दें, जो है धनिये की ढेरी लगा दें, अलग अलग समय पर हम वीडियो में बताते रहते हैं, नीचे कुछ अनाज की ढेरी हल्की सी लगा के उसके ऊपर यदि आप रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ये आप करके देखें। और जब भी कोई तीज त्योहार आता है या फिर ऐसे भी, आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर किया करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो गंगा जल की ज्यादा महत्वता होती है ना, अब उनके लिए भी विशेष बातें कि जिनके घर गंगा जल नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि गंगा जल नहीं होता है, तो ऐसे गंगा जल के अभाव में हम पूजा कैसे करें। तो कहा जाता है कि हम जो हमारा जल है उसमें यदि हम तुलसी पत्र मिला लेते हैं तो वो गंगा जल के समान शुद्ध हो जाता है। और तांबे के पात्र में, तांबे धातुओं की बहुत बड़ी महत्वता है, तो तांबे के पात्र में यदि गंगा जल मिलाकर जल रख लिया जाए तो उससे पूजा किया जा सकता है। लेकिन शिव भगवान के जल में हम तुलसी पत्र नहीं मिलाते हैं, इसलिए आप सादा जल से उनका अभिषेक कर सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो मनुष्य गंगा जी जाता है वहां से जो जल लेता है वो शिवालय जरूर जाना चाहिए और शिव जी पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और कभी भी गंगा स्नान करते समय हमें पात्र का सहारा नहीं लेना चाहिए, जिसे बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से आते हैं, हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि पात्र लेकर जैसे हम लोग घर में स्नान करते हैं इस तरह से स्नान करें, गंगा जी में या किसी भी नदी में आपको डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा शुभ होता है। और अपने पितरों का तर्पण करना ना भूलें, यानी कि आप
आपके पास कुछ नहीं है, ज्यादा समय नहीं, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप गंगा में जब स्नान कर लें तो गंगा जी के अंदर ही खड़े होकर अपने जल से भगवान का नाम लेकर सूर्य को अर्घ दे हाथों से, उसके बाद अपने पितरों का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उन्हें इस तरह से जल देना चाहिए। इसे आपको श्राद्ध तर्पण कहते हैं। तो बस इस तरह से लेकर तीन बारी अपने पितरों का नाम लेकर करते हैं तो वही उनको प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए गंगा से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा भागीरथ ने अपने 60,000 पुरखों के तर्पण के लिए इतना बड़ा तप किया था, राजा की गद्दी को त्याग करके वो ऋषि बने थे और कठोर तपस्या करके माता गंगा को प्रसन्न किया था, और जिसके कारण माँ गंगा धरती पर आई थी, और अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तर्पण करने के लिए हम मनुष्यों का परम कर्तव्य बनता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो है पितृ दोष वगैरह हो जाता है, जिसका ये मूल कारण होता है कि हम अपने पितरों को याद नहीं करते हैं, उनका आभार नहीं प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, हम ये जो आप ऐसे भाषा में जाने जो हमारा जीन्स है, वो हमारे पूर्वजों का है ना, हम उन्हीं की वजह से आज इस धरती पर है, तो इसलिए उनका आभार और उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो ये आप समय समय पर करना ना भूलें, और गंगा जल का दान भी करना बहुत ही शुभ होता है। गंगा जल बहुत पवित्र होता है, ये सभी को पता है, और जल का संबंध चंद्रमा से होता है, चंद्र ग्रह से होता है। जिसके बर्थ चार्ट में चंद्र कमजोर अवस्था में है, उनको शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, वह गंगा जल का दान करें तुलसी के पेड़ के साथ में, तो ऐसे में उनका चंद्र बलि होता है और उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होने लगता है। और साथ ही यदि आपके घर में बहुत ज्यादा कला कलेश होती है, धन की बरकत नहीं होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक चांदी का पात्र ले लें, ठीक है, इसमें गंगा जल भरें और इसमें चांदी का सिक्का डाल के आपको रखना चाहिए, ये बहुत ही शुभ होता है। अब जैसे चांदी का पात्र किसी के पास नहीं है, हर लोगों के पास नहीं होता है, तो आप किसी भी धातु का पात्र ले लें, तांबे का ले लें, पीतल का ले लें, उसके अंदर दो सिक्के डाल के और उसे ढक्कन लगा के रखें, खुला ना रखें, खुले से ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में जल्दी हमारा पानी भी उड़ जाएगा और धूल गंदगी भी पड़ जाएगी, तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप किसी भी धातु के बर्तन में दो चांदी के सिक्के डालकर उसे रखें, लेकिन उन सिक्कों में किसी भी देवी देवता की प्रतिमा ना बनी हो, क्योंकि देखिए देवियों देवताओं की प्रतिमा से उन्हें हम जल में नहीं डाल सकते हैं, साधारण सिक्का सामान्य होना चाहिए, उसे आप डाल के घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण भी आप समझ लें, उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो बस आप इस तरह से रखें और इसका शुभ परिणाम जरूर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।